नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कौन कहता है कि बेटियां उड़ान नहीं भरती, प्रोफेसर सुरेश तिवारी। काराकाश शिशु शिक्षा मंदिर के छात्रों ने लहराया परचम। विक्रमगंज देहाती परिवेश में रहकर तथा पढ़ लिख कर मैट्रिक परीक्षा 2022 में 472 अंक हासिल कर यानी 94.4% के साथ विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचायत जोनही ग्राम निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन व रोबिना खातून का पुत्र अफजल खान और काराका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जयश्री पंचायत के मिश्रवलिया निवासी मनोज मिश्रा व रेखा मिश्रा की पुत्री खुशी कुमारी 419 अंक हासिल कर यानी 83.4% के साथ टॉपर बनकर अपने माता पिता गुरुजनों एवं अपने जिले का नाम रोशन किया है। परीक्षा में जो तुमको सफलता प्राप्त हुई है, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मैंने बोर्ड एग्जाम में कड़ी मेहनत किया और रोजाना 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी किया, तब जाकर मैंने इस मुकाम पर आ सका। अपने सफलता का श्रेय तुम किसको देना चाहोगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों में तिवारी सर, सरफुला सर, सतार सर और मजबूला सर को देना चाहूँगा। तुम्हारा आगे का लक्ष्य क्या होगा? मेरा आगे का लक्ष्य एक अफसर बनकर देश की सेवा करना है। नाम क्या हुआ? मोहम्मद अफजल खान जोनी। पिताजी का नाम क्या हुआ? मोहम्मद शहाबुद्दीन खान। माताजी का नाम क्या हुआ? रोबिना खातून। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। माताजी क्या करते हैं? शिक्षिका है। हमें जो तुमको सफलता प्राप्त हुई है, उस सफलता प्राप्त करने के लिए तुम कैसे तैयारी की हो, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मैट्रिक के पासी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की मेहनत की है काफ़ी सारे, वहाँ पर काफ़ी सारे मैथ्स सॉल्व किए हैं, बुक्स की पढ़ाई करे हैं। कौन कौन से बुक्स है तैयारी की? NCERT बुक्स है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम सॉल्व किए तो बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हैं। अच्छा, पढ़ाई के लिए तुम कितना समय दिए हो? पढ़ाई के लिए सर हम 6 से 7 घंटा समय दिए। सफलता का श्रेय तुम किसको देना चाहोगे? सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर प्रिंसिपल तिवारी सर को, अपने घर के ट्यूशन टीचर्स को, तो मेरे सब भाई हैं उनको। तुम आगे क्या करना चाहोगी? फिर हम आगे पायलट बनना चाहेंगे। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? खुशी कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? मनोज मिश्रा। क्या करते हैं? सर जॉब करते हैं। कौन सा जॉब करते हैं? रेलवे में सर जॉब करते हैं नॉर्मल। अच्छा, माताजी का नाम क्या है? रेखा मिश्रा। क्या करती हैं? सर वो हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हो? सर एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? मिश्रवलिया। अच्छा, मैं आपके विद्यालय के सभी छात्र छात्रा सफलता को जो अर्जित किए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैट्रिक के माध्यमिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, उसके संदर्भ में यह बात जरूर है कि मैं अपने बच्चों के परिणाम से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे बच्चे जिनके पास अपना मेरिट है और जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, हल तक सफलता तो उन्हें मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहा जा सकता है कि मैं उस रिजल्ट से उतना जैसे जो अभी स्थिति उभर कर आई है बिहार में, जो शिक्षा की पॉलिसी है या जो अंक देने की जो पद्धति है, जो परीक्षक बच्चों को अंक देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता रह नहीं जाती है। अंक हम अपने बच्चों से संतुष्ट इसलिए हैं कि जितने भी बच्चे हैं वह काफ़ी मेधावी थे, उन्होंने परिश्रम किया था, मेहनत किया था। यदि कॉपियों का मूल्यांकन यदि बहुत अच्छा ढंग से हो तो ये और भी अच्छा बेहतर कर पाते। आपके विद्यालय का एक छात्र है जिसका नाम है अफजल खान, जो 472 अंक हासिल किया है, तो इसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बुलाया गया था, तो क्या इसके बारे में बिहार बोर्ड कुछ निर्णय किया या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ है हमें पता नहीं चला है, लेकिन ये साक्षात्कार देने वहाँ पर गया था और जैसा ये विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं, हमसे 25 क्वेश्चन पूछा गया और 25 क्वेश्चंस का जवाब मैंने दिया, और काफ़ी ये होनहार लड़का है, और जब ये पढ़ रहा था वर्ग में तो मैंने इसे कहा था कि तुम ऐसा तू करो अफजल कि तू बेहतर करो, और कुछ हुआ इसका रिजल्ट 94% से अंक आए हैं, प्रतिशत जो इसका रहा है परीक्षा में, और बहुत ही काफ़ी आसानी था कि हमें टॉप 10 में या टॉप 20 में हमारा स्थान होगा, तो टॉप 10 में तो नहीं मिला इसका, लेकिन अभी टॉप 20 में जो इसका रिजल्ट है अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
नंबर तो इसका बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि लड़का बहुत ऊपर तक भी जा रहा था। अब कहाँ तक की ये बात आई और कहाँ कैसे कुछ हुआ ये, उसके संदर्भ में मैं बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम सुरेश तिवारी। संस्थान का नाम क्या होगा? शिव शिक्षा मंदिर काराकट। संस्थान में आपकी भूमिका क्या होगी? मैं अभी प्रधानाचार्य की हैसियत से विद्यालय की व्यवस्था का संचालन कर रहा हूँ।